नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। इतिहास में पहली बार पति पत्नी एक साथ विधानसभा में आएंगे नजर। हिमाचल को मिली एक और महिला विधायक। उपचुनावों के परिणाम से जयराम ठाकुर को लगा बड़ा झटका। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता ने सिखाया सबक। प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद, कहा कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता ने लगाई मोहर। हमीरपुर में जीत के बाद राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री पर किए तीखे वार, कहा 10 दिन गली मोहल्लों में लगाए परंतु फिर भी ना जीते। कांग्रेस के उम्मीदवार हरदीप सिंह बावा ने 8,990 मतों से की जीत हासिल। राम कुमार चौधरी ने भी जनता का किया धन्यवाद। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा द्वारा दल बदल की प्रदेश में राजनीति की कोशिश बेकार, जनता ने नकारा। जीत के बाद आशीष शर्मा ने फिर किया मुख्यमंत्री पर जुबानी हमला, कहा बहुत रचे षड्यंत्र मगर जनता ने दिया साथ। सितंबर में शुरू होगा रेल ट्रैक बिछाने का काम, 9 माह तक पूरा होने का भी लक्ष्य। एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार, 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी। हिमाचल के इतिहास में पहली बार पति पत्नी एक साथ विधानसभा में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने देहरा विधानसभा सीट से उपचुनाव जीत लिया है। वो शपथ ग्रहण के बाद जल्द हिमाचल विधानसभा का हिस्सा भी होंगी और अपने पति सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सदन भी जरूर आएंगी। इससे पहले प्रदेश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हालांकि पिता पुत्र के तौर पर वीरभद्र सिंह और विक्रमादित्य सिंह साल 2017 में जरूर विधानसभा में पहुंचे थे, मगर पति पत्नी पहली बार एक साथ विधानसभा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कमलेश ठाकुर के विधायक चुने जाने के बाद 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में महिला विधायक की संख्या भी बढ़कर 3 हो गई है। इससे पहले बीजेपी की पच्छाद से रीना कश्यप, लाहौल स्पीति से कांग्रेस की अनुराधा राणा मौजूदा विधानसभा में सदस्य हैं। हिमाचल की 3 में से 2 सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस की जीत हुई है। इससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मजबूत नेता के तौर पर जरूर उभरे हैं, मगर उनके घर व गृह जिला हमीरपुर में कांग्रेस की हार सीएम की लोकप्रियता का एक बड़ा प्रश्न भी बनकर रह चुके हैं। वहीं प्रदेश में 5-6 महीने से सरकार बनाने का दावा कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए भी ये हार का एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले 6 और अब 3, कुल 9 उपचुनाव के लिए सत्ता पक्ष जयराम ठाकुर को ही जिम्मेदार मान रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बार बार ये कहकर निशाना साधा है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले 6 बागी एवं निर्दलीय पूर्व विधायक सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र में रचते रहे, इसलिए उन्होंने जनता से इन्हें सबक सिखाने की कई बार अपील भी की, मगर हमीरपुर की जनता ने मुख्यमंत्री की इस अपील को नकारते हुए बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा की छवि को देखा और दूसरी बार चुनकर विधानसभा भी भेजा है। उपचुनावों के परिणामों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया है और कहा है कि पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। प्रदेश में 3 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती है। कांग्रेस ने जो जो वादे भी प्रदेश की जनता के साथ किए थे उन्हें पूरा भी किया जा रहा है। चुनाव में भी कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता ने मोहर लगाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 1.5 वर्ष से चल रही है। इस मध्य लोकसभा चुनाव हुए, सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, करोड़ों रुपए व सरकारी मशीनरी लगाई, परंतु भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम व भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से 4 लोकसभा सीटें भी जीती है। इन लोकसभा चुनावों में 68 विधानसभाओं में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा जीती है। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई के 3 उपचुनावों में भाजपा ने हमीरपुर सीट जीती और मुख्यमंत्री महोदय के उनके ही जिले की सीट भाजपा ने जीती है। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए इस चुनाव पर लगाए, पूरी सरकार को चुनाव अभियान में लगाया, उम्मीदवार पर निराधार मुकदमे भी बनाए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए डर, भय और आतंक का माहौल प्रदेश में खड़ा भी किया गया। मुख्यमंत्री ने 7 दिन हमीरपुर के गली मोहल्लों में लगाए भी है, परंतु वो दोबारा से चुनाव हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की हमीरपुर सदर सीट पर हार चुके हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हरदीप सिंह बावा ने 8,990 मतों से जीत हासिल की है। इसके बाद उन्होंने समर्थकों के साथ
एनएच पर विजय जुलूस भी निकाला है। हरदीप सिंह बावा ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कहा है कि वो नालागढ़ के विकास के लिए पहले भी कार्य करते आए हैं और अब भी बतौर विधायक वो विधानसभा की सेवा जरूर करते रहेंगे। और इस बार जो जीत उन्हें मिली है वो भारी मतों से मिली है, जो दर्शाता है कि कार्यकर्ता और जनता ने किस तरह से उनके लिए काम किया है। सीपीएस और दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा है कि ये नालागढ़ की जनता की जीत है और आने वाले समय में दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र विकास की दौड़ में हिमाचल प्रदेश में आगे नजर भी आएंगे। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को समझना चाहिए कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया है, लेकिन बावजूद इसके भी वो सरकार बनाने की बातें करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसका जवाब उन्हें जनता अब दे चुकी है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में हार के क्या कारण रहे हैं इसके बारे में मंथन भी किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने परिणामों की घोषणा के बाद कहा है कि देहरा और नालागढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और हमीरपुर में कुछ मतों से हारे हैं, जिसका दुख है, लेकिन इन चुनाव के नतीजे ये साफ कर देते हैं कि जिस तरह की राजनीति भाजपा दल बदल की प्रदेश में चलने की कोशिश कर रही थी उसे जनता ने नकार दिया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार मजबूत सरकार है और जो भी वादे प्रदेश की जनता के साथ किए हैं उन्हें पूरा भी किया जा रहा है और पूरे प्रदेश का एक समान विकास करने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध भी है। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को 1571 मतों से हराया है। भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा को कुल 26,617 मत पड़े हैं, जबकि 25,184 मत कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को पड़े हैं। भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा की जीत होने पर हमीरपुर में कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी फोड़े और जश्न भी मनाया और जोरदार नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने अपनी जीत का श्रेय हमीरपुर के देवतुल्य जनता को दिया है। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बातचीत में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सब प्रकार के षड्यंत्र रचने के बावजूद जनता ने मेरा साथ दिया है, इसलिए हमीरपुर के देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करते हैं। आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने आज करारा जवाब दिया है और हमीरपुर की जनता ने पहले ही उन पर विश्वास जताया था और आज फिर से दोबारा विश्वास भी जताया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल ने महिला पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीते हैं। महिला टीम ने हरियाणा के गुरुकुल सोनीपत की मोर माजरी की टीम को पराजित किया है। पुरुष वर्ग में छात्र हॉस्टल बिलासपुर ने खेलो इंडिया सेंटर नालागढ़ को हराकर ट्रॉफी जीती है। खेलो इंडिया सेंटर की साक्षी शर्मा बेस्ट प्लेयर चुनी गई है। उनके अलावा तन्वी, शगुन, जसप्रीत व सानवी ने जबरदस्त खेल दिखाया है। वहीं पुरुष वर्ग में साई हॉस्टल बिलासपुर के खिलाड़ी कुणाल बेस्ट प्लेयर चुने गए हैं। खेलो इंडिया सेंटर के कोच संजीव ठाकुर ने बताया है कि खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की टीम को उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए पहली बार बुलाया गया था। पहली बार ही सेंटर की महिला पुरुष टीमों ने अपने खेल से प्रभावित भी किया है। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के पहले 30 किलोमीटर में ट्रैक बिछाने के लिए रेल विकास निगम ने 84 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है। भानुपल्ली से नैना देवी के पहाड़ तक के 24 किलोमीटर के पहले चरण में ट्रैक बिछाने का कार्य सितंबर से शुरू भी होने वाला है। वहीं इस कार्य को पूरा करने के लिए 9 महीने का लक्ष्य रखा गया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन की टनलों में अत्यंत उच्च आवृत्ति का कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 54 करोड़ का खर्चा भी होने वाला है। वही सिग्नल और दूरसंचार कार्य का 54 करोड़ रुपए का पहले ही टेंडर रेल विकास निगम ने जारी भी कर दिया है। रेल लाइन की टनलों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में अगर ट्रेन के लोको पायलट से संपर्क ना हो तो उसके मोबाइल पर संपर्क भी किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई हिस्सों में 19 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई गई है। 16 व 17 जुलाई के लिए कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी शिमला में आज हल्की धूप खिलने के साथ ही बादल भी छाए हुए थे। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।